तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आप कैसे अपने मोबाइल पे केवल और केवल 3G या केवल 4G नेटवर्क को यूज कर सकते हो। क्योंकि हमारे साथ अक्सर प्रॉब्लम होती है कि कभी 3G, कभी 4G, यहाँ तक कि कभी 2G नेटवर्क हमारे मोबाइल में आता रहता है और जाता रहता है, जिससे हमें वेट करना पड़ता है। तो इस वेट की समस्या को दूर करने के लिए एक ऐप है, जिसमें प्ले स्टोर में जाएंगे आप, वहाँ पे आपको सर्च करना है फोर्स 4G। ठीक है, ये कुछ ऐप मेरे सामने आ गया है वीडियो पे, तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाएगा, यही ऐप है, लोगों से आप पहचान जाएंगे। इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको नेटवर्क दिखा देता हूँ कितने प्रकार के नेटवर्क हैं। यहाँ पे आप WCDMA यानी कि 3G, LTE 4G, SCDMA only कोई भी नेटवर्क चूज कर सकते हो। अगर 2G चाहिए आपको, ओनली 2G चाहिए, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो इसमें जाके। 3G 4G जो आपको चाहिए वो नेटवर्क आपको यहाँ से मिल जाएगा। और हाँ, आने वाले समय में अगर 5G आता है, अभी तो नहीं है, आएगा 5G, तो आपका अगर मोबाइल एंड्रॉयड 11 है तो आप अपने मोबाइल पे 5G का भी यूज कर सकते हो। इसके लिए आपका मोबाइल सपोर्टेड होना चाहिए, अगर है तो आप 5G का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपनी मोबाइल में। ओके,